सकती है। चाइना ईस्टर्न का एक यात्री विमान दक्षिण पश्चिमी चीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 133 लोग सवार थे। फिलहाल इस हादसे की वजह और हताहतों की संख्या का पता नहीं लग पाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन का बोइंग 737 कुनमिंग से ग्वांगजाओ की तरफ जा रहा था। ग्वांगशी क्षेत्र में यह हादसा हुआ था। इसकी वजह से वहां पहाड़ों में भी आग की लपटें दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक प्लेन पहाड़ से टकराया था, जिसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना को लेकर फिलहाल अभी और अपडेट बता दें कि बचाव दल को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। इससे पहले आज ही दिल्ली से उड़ी कतर एयरलाइंस की फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये विमान दोहा जा रहा था, इसमें करीब 100 यात्री सवार थे। बाद में यात्रियों को दूसरे विमान से दोहा भेजा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।